में हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ हाउसफुल 4 के 16th डे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म अपने तीसरे वीकेंड में भी झंडे गाड़ रही है, यानी कि कमाल कर रही है। और ये फिल्म यहाँ से 200 करोड़ की राह बहुत जल्द पूरी करेगी। और यहाँ पे कुछ खबरें की बात यह है, ये फिल्म का कलेक्शन 210 से 215 करोड़ के बीच में भी जा सकता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ द फिल्म आई मीन प्रोग्रेसेस, बट यस अभी तक का रिस्पांस काफी अच्छा आया है। अगर बात करें यहाँ पर पहले 15 दिनों की, तो इन पहले 15 दिनों में इस फिल्म ने लगभग 191.73 करोड़ की कमाई की है। यानी कुल मिलाकर आप अगर कहे 15 दिनों में से कलेक्शंस 192 करोड़ हो गया बराबर, अगर है ना नाप तोल की अगर बात की जाए तो। सपोज इट इज 192 करोड़। और यहां पर ये फिल्म करीबन 3 से 4 करोड़ के बीच में कमाते हुए नजर आ रही है अर्ली एस्टिमेट्स के हिसाब से, क्योंकि इसका 2 करोड़ का कलेक्शन अगर सेकेंड फ्राइडे को है और इस हिसाब से ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें 15% मॉर्निंग शोज की और आफ्टरनून शोज की लगभग 30%, 28 से 30% और इवनिंग शोज की 42 से 44% के बीच में नजर आ रही है। तो नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी भी आज अच्छी ही रहेगी, यानी कि आज है शनिवार और शनिवार को अक्सर इवनिंग नाइट की ऑक्यूपेंसी काफी बेहतर होती है रेदर देन संडे। तो यहां पे अगर एवरेज ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो 32 से 34% के बीच में एवरेज ऑक्यूपेंसी है, जो कल से कम से कम 15 से 20% ज्यादा है, जिसका फायदा पूरा इस फिल्म को होने वाला है। आई थिंक दिस फिल्म हैज ए गुड चांस टू कलेक्ट अराउंड 330 और इवन 4 करोड़। अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म का कलेक्शन जो है जो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं, करीबन इसका कलेक्शन जाएगा 195 से 196 करोड़ के बीच में ही जाएगा। दैट मीन्स दिस फिल्म हैज ए स्ट्रांग चांस टू अर्न अराउंड 3 to 4 करोड़ एज पर अर्ली एस्टिमेट्स। ये डेफिनेटली जाने वाला है, इससे नीचे नहीं गिरेगा आई एम डैम श्योर। लेकिन 4 करोड़ से क्या ऊपर जाएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नाइट शोज अभी तक उसकी ऑक्यूपेंसी क्लियर नहीं है। एंड हाउसफुल 4 की जहां तक बात करें, नाइट शोज में अक्सर धमाल ही हुआ है और नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा मैटर करी है ओवरऑल कलेक्शन को लेकर। और यहां पर भी थर्ड वीकेंड में भी उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा जाएगा। तो लेट्स होप एंड विश ये फिल्म बहुत ही स्ट्रांगली आगे चले। और अगर 95 से 96 करोड़ अगर हो जाते 195 से 196 करोड़ आफ्टर 16 डेज, सो इट वुड बी ए वेरी वेरी गुड स्कोर एंड आई एम वेटिंग ईगरली वेटिंग फॉर इट दैट इट क्रॉसेस अराउंड 200 करोड़ ऑन द टूमोरेज ऑन 17th डे। और 17वें दिन अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली 18th डे जरूर हो जाएगा ये। लेकिन 1200 स्क्रीन्स पर भी अगर अच्छा कलेक्शन करने में कामयाब होती है 3 से 4 करोड़ के आसपास जिसे कहा जा रहा है, जिसे बताया जा रहा है, तो ये एक अच्छी खासी बात होगी इस फिल्म के लिए। तो आप कितने खुश हैं कि हाउसफुल 4 ने आखिर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं और बहुत ही जल्द ये अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म होगी जो 200 करोड़ के क्लब में जाएगी। कितने खुश है जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सीधे तौर पे यही कह सकते हैं, बाला 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 ही चल रहा है, चाहे पिछले हफ्ते था या इस हफ्ते हो, एवरीथिंग इज बाला इज लाइक रूलिंग अ लॉट। चलिए फिर इतना ही।